गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। स्टॉक्स, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स और साथ ही रिकमेंडेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक के बारे में, साथ ही 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, और बताएंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,400 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,900 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 40,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 41,200 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। आइए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, और इन स्टॉक्स को आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है दालमिया भारत, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाई कर सकते हैं 1767 पर, स्टॉप लॉस 1714, पहला टारगेट 1820 और दूसरा टारगेट 1873 पर रख सकते हैं। फिर है GIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्टेड है, बाई कर सकते हैं 197 पर, स्टॉप लॉस 189, पहला टारगेट 205 और दूसरा टारगेट 213 पर रख सकते हैं। इसके बाद है PNB, ये रिवर्स फ्रॉम सपोर्ट है, बाई कर सकते हैं 53 पर, स्टॉप लॉस 50, पहला टारगेट 56 और दूसरा टारगेट 59 पर रख सकते हैं। फिर है सूर्य रोशनी, यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट है, बाई कर सकते हैं 644 पर, स्टॉप लॉस 618, पहला टारगेट 670 और दूसरा टारगेट 695 पर रख सकते हैं। फिर है चंबल फर्टिलाइजर्स, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 313 पर, स्टॉप लॉस 300, पहला टारगेट 326 और दूसरा टारगेट 338 पर रख सकते हैं। बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, तो चलिए देखते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले तो वोल्टास वेंट अप 3.10%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। जीनस पावर वेंट अप 1.68%। स्टॉक्स इन न्यूज की बात कर लेते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे वोडाफोन आइडिया, ब्लू स्टार एंड स्पंदना स्फूर्ति के बारे में। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वी बोर्ड हैज वंस अगेन ओकेड इश्यूएंस ऑफ OCDs वर्थ ₹1600 करोड़ टू ATC। ब्लू स्टार की बात करें तो क्वार्टर थ्री नेट प्रॉफिट 23% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा, रेवेन्यू 18.7% ऊपर रहा, वहीं EBITDA 15.6% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा एट ₹104.7 करोड़, मार्जिन एट 5.9% वर्सेस 6% ईयर ऑन ईयर। स्पंदना स्फूर्ति की बात करें तो क्वार्टर थ्री नेट प्रॉफिट 58.4% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा, NII 12.9% ईयर ऑन ईयर ऊपर एट ₹234 करोड़। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा थ्रू आउट द डे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें।